अब हम जैसे सिंपल से फ्लावर में आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे एक फ्लावर बनाइए, तो मैंने ये बनाया, मैंने एक फ्लावर ये आया, बच्चे क्या करेंगे ये बनी पत्तियां सीधी सीधी कोई लय नहीं, अगर एक हाथ मारो तो मुड़ के नीचे गिर जाएगी और टूट जाएगी। हमें अपनी पेंटिंग्स में, हमें अपनी किसी भी चीज में, हमें अपनी डिजाइन में या पेंटिंग बना रहे एक लय का होना बहुत जरूरी है। रिद्म जब तक नहीं बनेगा तब तक आपकी पेंटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। रिद्म से मीन्स क्या हुआ, सपोज हमें बेल चलानी है, ये हुई लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इसमें और इसमें काफी अंतर होता है। जैसे म्यूजिक में जब तक क्या संगीत अच्छा नहीं बनेगा तो आपको सुनने मजा नहीं आएगा, उसी तरह ड्रॉइंग में चलता है, जब तक आपके रिद्म नहीं चलेगी तब तक आपको बनाने मजा नहीं आएगा। अब जैसे मुझे एक बेल चलानी है तो मैं बेल कैसे चलाऊंगी, पहले मैं इसका बेसिक से सीखूंगी, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा किया मैंने। अब मुझे इसे फ्लावर लेने हैं तो मैं यहाँ पर ओवल खींच दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने ओवल खींच दिया, यहाँ मुझे बड़ा फ्लावर चाहिए मैंने ओवल खींच दिया, इतना क्लियर हुआ। यहाँ मैंने क्या डाला, लीफ डाल दी। अब मैं इस तले को क्या ले आई, मैं डबल इसमें लेके चली आई, यहाँ पर मैंने ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज ध्यान देना, हमारे जो फ्लावर नीचे की ओर मुड़े रहते हैं, अब इसे ये फ्लावर मैंने नीचे मुड़ा है तो इसका जो ये बीच वाला पोर्शन होता है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये अगर ऐसे छुपा हुआ इस साइड पे तो इसमें जो है ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये ऊपर की ओर है तो इसमें ही हमें ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब जब हम इसकी पत्तियां बनाएंगे तो ये देखिए, अब ये नीचे की ओर झुका हुआ है तो ये बनी। बात की जो ये हमारा सर्कल की लाइन है आप इसको चाहे तो यूज कर सकते हो, ठीक। अब ये पत्तियां ये बनी, तो अब क्या हमें ये समझ में आ रही है अच्छे से कि हमारा फ्लावर ये ऊपर की ओर है, ये विजन इसे पर्सपेक्टिव बोलते हैं कि ये हमारा समझ में आना चाहिए कि हमारा फूल नीचे झुका है तो वो झुका हुआ लगना चाहिए, और ये जो है अगर साइड पे है तो वो साइड पे लगना चाहिए, और ये अगर फ्रंट में अगर वो ऐसे खड़ा तो ऐसे लगना चाहिए। अगर आप इस चीज का नीक वाला चेंज करते जाएंगे, ठीक है, और अगर आप सिंपल साइज के फ्लावर बनाएंगे तो सारे फ्लावर ऐसे खड़े में दिखाई देंगे, हमें स्टैचू नहीं बनाना, हमें उसमें लय लेके आना है। तो ये तुम्हारा डिजाइन में, अब जो हम आगे की ओर काम कराएंगे उसमें क्या होगा, हम आपको कोई शेप देंगे, हमने सर्कल ले दिया, ओवल ले दिया, आपको उसके अंदर सिंपल सा क्या करना है, जैसे मैंने आपको सर्कल शेप दे दिया, मैंने कहा इसमें तुम एक नेचुरल डिजाइन बनाओ, नेचुरल फ्लावर आपके पास है, नेचुरल डिजाइन आपके पास है, सिंपल सा हमने जैसे बनाने के लिए ये बनाया, और हमने यहाँ पर रोज का फ्लावर आ गया, यहाँ भी रोज आ गया, ये हमारी कली आ गई, ये हमारी रोज की पत्ती आ गई, और ये डिजाइन के एक शेप के अंदर आपका ये डिजाइन कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज का आपका जो काम है नेचुरल डिजाइन, मैं कुछ अभी फोटो आपको इसके रिलेटेड भेजती हूँ, और आप उस तरह अपने जो है नेचुरल डिजाइन कम्प्लीट करना है।